एनएसयूआई गंज बासोदा ने कुलपति के नाम संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय की प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष पार्थ रघुवंशी ने बताया कि कुछ छात्र छात्राओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। उनको परीक्षा दिए हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, पर तब भी परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। एनएसयूआई ने ज्ञापन देते हुए मांग की कि जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी किए जाए, अन्यथा एनएसयूआई आंदोलन करेगी। जब पार्थ रघुवंशी के नेतृत्व में एनएसयूआई संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय ज्ञापन देने पहुंची, वहां पर प्राचार्य मौजूद नहीं थी, जिसके बाद एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की एवं चेतावनी दी कि अगर प्राचार्य रेखा बरेठिया एवं शिक्षक समय पर कॉलेज नहीं आएंगे तो एनएसयूआई उनके निष्कासन की मांग करेगी। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज इस समय हम गंज बासोदा एफजीएस कॉलेज पे खड़े हैं, जहां पे एनएसयूआई ज्ञापन देने आई थी प्राचार्य महोदय को। आज हम समय देख सकते हैं, समय 12 बजे से ज्यादा समय हो गया, परंतु 1 बज गया है, परंतु प्राचार्य महोदय अभी यहाँ पे नहीं है। हमने यहाँ पे आके पूछा कि प्राचार्य महोदय छुट्टी पर है, तो यहाँ पे कहना है कि उनको पता नहीं है, शायद मैडम आज आ भी सकती और नहीं भी आ सकती। इस तरीके का रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात का एनएसयूआई पूरी तरह से विरोध करती है एवं चेतावनी देती है। अगली बार कल से जो भी टीचर, जो भी शिक्षक, भले ही वो प्राचार्य क्यों ना हो, अगर हमें टाइम पे यहाँ पे नहीं मिलते तो हम उनके निष्कासन की मांग करेंगे एवं एनएसयूआई अपनी बात से अडग रहेगी। ये आखिरी चेतावनी है कॉलेज प्रशासन को, प्राचार्य को, सभी शिक्षकों को। आप हमारी इसको विनती समझ लें, चेतावनी। छात्रों के इसमें जो भी होगा वो हम करेंगे और ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आज का हमारा ज्ञापन अध्यक्ष श्रीमान कुलपति महोदय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमती रेखा बरेठिया प्राचार्य एसजीएस महाविद्यालय गंजबासोदा विषय, जिन छात्रों के परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए उनके परीक्षा परिणाम जारी करने के संदर्भ में महोदय विषय अंतर्गत निवेदन है कि कुछ बच्चों के परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए, जिसके कारण अनेकों छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। विद्यार्थियों को परीक्षा दिए एक वर्ष पूर्ण होने वाला है, उसके बावजूद भी कुछ छात्र छात्राओं का परिणाम जारी नहीं किया गया है, जिससे कुछ छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई रुकी हुई है। महोदय आपसे विनम्र अनुरोध है कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।